इस शख्स ने रातों रात 5000 से अधिक सैनिक इकट्ठा करके अंग्रेजों के किले पर धावा बोल दिया था। काले पानी की सजा मिलने के बाद एक साल के अंदर ही ये अंग्रेजों की कैद से भी भाग गया। इससे शख्स की बहादुरी के चर्चे इतने हुए कि इसके नाम लोगों ने ताने बना लिए। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, वो तो यार बड़ा तुर्रम खा बना फिरता है, तुम तो बड़े तुर्रम खा बन रहे हो। इतना बड़ा तुर्रम खा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दोस्तों, अगर इन शब्दों का प्रयोग टोंट मारने के लिए किया जाता है, और यही वजह है कि संसद में तुर्रम खान शब्द बोलने पर पाबंदी लग गई है। वैसे संसद में जुमलाजीरी, दलाल, शकुनी, जयचंद, चांडाल चौकड़ी, तलबे चाटना और तड़ीपार जैसे बहुत से शब्दों को असंसदीय माना गया है, लेकिन तुर्रम खान नाम में कुछ असंसदीय नहीं लगता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ताना मारने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे असंसदीय माना गया है। पर क्या आप जानते हैं कि असल में तुर्रम खान कौन थे और कैसे उन्होंने रातों रात 5000 सैनिकों की सेना बनाकर अंग्रेजों पर धावा बोल दिया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि कैसे तुर्रम खान इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही है कि आजादी की लड़ाई में हमने कितनी कुर्बानियां दी थी, न जाने कितने लोग अंग्रेजों की लाठियों और गोलियों से मार दिए गए, कितनों को हमेशा के लिए काला पानी जैसी जगहों पर सजा भुगतने के लिए भेज दिया गया, और न जाने कितनों को फांसी दे दी गई। आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वालों में अहिंसा को मारने वाले भी थे, तो अंग्रेजों को मार कर भगाने की इच्छा रखने वाले भी। क्या आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई की पहली चिंगारी 1857 में ही भड़क गई थी? 1857 के उस विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आंदोलन कहा जा सकता है। इस लड़ाई में मंगल पांडे से लेकर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक ने कुर्बानी दी थी। पर कुछ हीरोज ऐसे भी थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुर्रम खान, जिनको उनकी कहावतों की वजह से भले ही पहचान मिल गई हो, लेकिन लोग नहीं जानते कि वो 1857 की क्रांति के एक बड़े योद्धा थे। वैसे आप अगर किसी को सिर्फ तुर्रम खान कहकर बुलाते हैं, तो असल में आप उसे बहादुर योद्धा कहकर बुला रहे हैं। पर मुझे लगता है कि इस नाम का प्रयोग इतनी ज्यादा बार नेगेटिव सेंस में हुआ है कि अब ये टॉन्ट जैसा ही लगता है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। खैर, तुर्रम खान का असली नाम तुर्रेबाज खान था। 1857 की क्रांति की जब भी बात होती है तो मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, झांसी और मैसूर की बात तो होती ही है, लेकिन हैदराबाद की बात नहीं होती। वो इसीलिए क्योंकि दिल्ली में मुगल बादशाह ने तो क्रांतिकारियों का साथ दिया था, लेकिन हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, इसीलिए हैदराबाद में क्रांति नहीं फैल सकी थी। पर तुर्रेबाज खान एक ऐसे सैनिक थे जिन्होंने हैदराबाद को भी इस क्रांति का हिस्सा बना दिया था। वास्तव में तुर्रेबाज खान ही वो शख्स थे जिन्होंने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मानचित्र पर हैदराबाद का नाम दर्ज कराया। क्रांति की शुरुआत मेरठ से कैसे हुई, ये तो हम जानते ही है। हैदराबाद में इस लड़ाई का नेतृत्व किया था तुर्रेबाज खान ने, और उनके साथ थे मौलवी अलाउद्दीन। हैदराबाद में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की ज्वाला जमींदार चिदा खान को आजाद कराने के लिए सुलगी, जिन्हें रेजिडेंसी के अंदर जेल में रखा गया था। मेरठ में बगावत की खबर हैदराबाद पहुंच चुकी थी। मस्जिदों, चर्चों, चौराहों, हर जगहों पर पोस्टर लगाते हुए निजाम और आम जनता से अपील की गई कि वे सभी ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो, लेकिन निजाम अफजल उल दौला और उसके मंत्री सालार जंग ने अंग्रेजों का साथ दिया। तुर्रेबाज खान और उनके साथियों के गुस्से की बड़ी वजह निजाम का अंग्रेजों के साथ अलायंस था। हैदराबाद में निजाम की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी में मौजूद भारतीय सिपाहियों ने उनकी टुकड़ी को दिल्ली भेजने के फैसले का विरोध किया। सेना की इस टुकड़ी को दिल्ली में मुगलों से लड़ने के लिए भेजा जा रहा था, और उन सैनिकों का मानना था कि अंग्रेज बाहर से आकर मुगलों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इस विषय पर बड़ी बहस होती रहती है कि मुगल अगर भारत नहीं आते
तो क्या होता, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है जो आपको जरूर से देखना चाहिए। वो वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। विरोध करने वालों में जमींदार चिदा खान भी थे। चिदा खान 15 अन्य सिपाहियों के साथ हैदराबाद के लिए निकल गए। उन्होंने उम्मीद की थी कि निजाम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही वो हैदराबाद में दाखिल हुए, निजाम के मंत्री मीर तुर्राब अली खान ने गिरफ्तार कर उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। बगावत का झंडा बुलंद करते हुए तुर्रेबाज खान ने क्रांतिकारियों को एकजुट किया। करीब 5,000 बहादुर लड़ाकों की फौज खड़ी कर दी। इसमें कई अरब और छात्र भी शामिल थे। चिदा खान को आजाद कराने के मकसद से एक शाम 6:30 बजे रेसिडेंसी को घेर लिया गया। रेसिडेंसी की पश्चिमी दीवार की तरफ दो बड़े घरों में क्रांतिकारियों ने पोजीशन ले ली, लेकिन किसी ने उनके इस हमले की खबर पहले से ही अंग्रेजों को दे दी थी। अंग्रेज पहले से ही तैयारी करके बैठे थे और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, जबकि तुर्रेबाज खान के साथियों के पास तलवारें, लाठियां और पुराने हथियार थे। पर जंग तो शुरू हो गई थी और अब उन्हें लड़ना ही था। तुर्रेबाज और उनके जाबाजों पर मद्रास हॉर्स आर्टिलरी के प्रशिक्षित सैनिक भारी पड़ रहे थे। पूरी रात फायरिंग चलती रही। सुबह 4 बजे तक क्रांतिकारियों ने मोर्चा संभाला और फिर अंग्रेजों की गोलियों से शहीद होते गए। रेसिडेंसी से लगातार होती फायरिंग को देखकर दो हवेली में छिपे लड़ाके भाग निकले। चारों तरफ शव ही शव बिखरे पड़े थे। मौका देखकर तुर्रेबाज खान भी वहां से निकल गए ताकि फिर से अंग्रेजों पर हमला कर सके। वो जंगलों में चुपचाप रहने लगे, लेकिन किसी ने उनके बारे में सूचना दे दी। उनकी आंख के पास चोट का एक निशान था, जिसके कारण उन्हें पहचान लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। हैदराबाद कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन्हें काला पानी भेजने का आदेश सुनाया। लेकिन इससे पहले कि उन्हें काला पानी भेजा जाता, वो जेल से भाग गए। इसके बाद उन्हें हैदराबाद के पास टुपरण नाम की जगह पर कुर्बान अली बेग नाम के एक तालुकदार ने पकड़ लिया। इतिहासकार कहते हैं कि उन्हें घेर कर गोली मार दी गई और उनके शव को शहर में घसीट कर घुमाया गया। कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि उनके शव से कपड़े हटाकर रेसिडेंसी के पास पेड़ से लटका दिया गया था। इस क्रूरता के पीछे अंग्रेजों की मंशा ये थी कि अंजाम देखकर दोबारा कोई विद्रोह की जरूरत नहीं कर सकेगा। इस तरह बेगम बाजार के रहने वाले रुस्तम खान के बेटे तुर्रेबाज एक योद्धा की तरह जिए और एक बड़े मकसद के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। 1857 के विद्रोह की याद में कोटी बस स्टैंड के पास एक मेमोरियल बनाया गया है, जिस पर तुर्रेबाज खान का नाम लिखा है। हैदराबाद में उनके नाम पर रोड भी है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार थिएटर में भारत के सबसे यंगेस्ट पद्म अवॉर्डी मोहम्मद अली बेग ने उनकी कहानी पर एक प्ले भी बनाया है, जिसका नाम है 1857 तुर्रेबाज खान। इस प्ले में तुर्रेबाज खान और उन्हें पकड़ने वाले कुर्बान अली बेग के बीच संवाद को दिखाया गया है, क्योंकि दोनों भारत के सपूत थे, लेकिन एक अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था तो दूसरा उनके खिलाफ। एक को अंग्रेजों से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो अमीर घर में पैदा हुआ था, जबकि दूसरे के लिए अंग्रेज उससे गुलामी करवा रहे थे। तो दोस्तों, तुर्रम खान के बचपन और बैकग्राउंड के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन जो सब जानते हैं वो ये कि इस वीर ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, वही देश जिसने हमने धर्म के नाम पर बांट लिया है।